ऑल राइट ठीक है, स्लाइड ना दिखे तो बताना। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे दैट यू विल गेट टू सी दैट यू हैव योर ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा, लोगों ने इन्होंने पूछा है कि आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको पैंक्रेटिक जूसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसके अंदर आपके पैंक्रेटिक जूसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, देन व्हाट विल गेट टू सी कि आपका जो ऑप्शन सी है, सी के अंदर आपका लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया और आपका प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड हो गया, ये सारे मेरे होते हैं पैंक्रेटिक एंजाइम्स। और बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन है वो मेरे यहाँ पे पैंक्रेटिक एंजाइम्स नहीं है, सो दैट इज ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी योर पैंक्रेटिक एंजाइम। सो इसलिए आपका ये ऑप्शन होता है सही, और ये पूछा गया था 2017 की नीट के अंदर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। नाउ एब्जॉर्प्शन के और कुछ कंपोनेंट यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। सो जब मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, याद रखना 90% ऑफ वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब इन द विल गेट एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया ऑस्मोसिस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, योर सोडियम हो गया, ऑल दोस थिंग। सो सोडियम विल गेट एब्जॉर्ब वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम फॉस्फेट वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी याद रख लेना। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी एब्जॉर्ब करना बड़ा जरूरी है, याद रखना। अगर अगर आपके सही से काम नहीं कर रहे हैं या अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, देन इट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, और वो एब्जॉर्ब कराया जाता है आपका अगेन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट याद रखना कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम फॉस्फेट विल बी एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स इज सिंपल डिफ्यूजन, वाटर सोल्यूबल हो या लिपिड सोल्यूबल हो, दे विल ऑलवेज बी एब्जॉर्ब वाया सिंपल डिफ्यूजन। दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो अब यहां पे देखो आपके लैक्टियल्स को, ये जो बीच में जो आपको ग्रीन कलर का जो आपको काफी बड़ा जो वेसल आपको दिख रहा है, दिस आर माय लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स के अंदर आपको यहां पे दिख रहे हैं आपके काइलोमैक्रॉन्स, द लैक्टियल्स यू विल बी फाइंडिंग योर काइलोमैक्रॉन्स, और ये काइलोमैक्रॉन्स आपके जाएंगे लैक्टियल्स के अंदर फ्रॉम योर सेल्स विच आर गोइंग टू बी योर एब्जॉर्प्टिव सेल्स। और उसके बाजू में आपका है यहाँ पे ब्लड वेसल, और आई वुड से ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी आपका यहाँ पे होगा, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा आपका लाइक प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ऑल दोस थिंग्स विल गेट एब्जॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दिस इतना आपने यहाँ पे देख लिया, दीज आर थिंग्स यू हैव टू नो। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लिम्फेटिक वेसल आपकी जो होती है ना, ये अल्टीमेटली आपके ब्लड वेसल के साथ मर्ज कर जाएगी बाद में, ये अल्टीमेटली आपके ब्लड वेसल के साथ मर्ज हो जाएगी, अभी नहीं होगी लेकिन बाद में आपकी ये हो जाएगी, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, इट विल अल्टीमेटली मर्ज विद द ब्लड वेसल्स। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, सो वी हैव अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन वाला कंपोनेंट आप यहाँ पे देख चुके हो सही तरीके से। नाउ वी हैव टू सी समथिंग इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोलॉजी ऑफ योर हिस्टोलॉजी ऑफ GI tract. So, जब मैं कह रहा हूं कि हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द हिस्टोलॉजी, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यार आपके GI tract के अंदर अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या क्या देखने के लिए आपको मिल सकता है, वॉट आर द कंपोनेंट्स यू कैन सी इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व योर GI tract अंडर द माइक्रोस्कोप, उसका सेक्शन लेके। तो समझो मैं आपको GI tract आपका देता हूँ, किसका निकाल के देता हूँ, आप उसका सेक्शन लेते हो and then you observe under the microscope, तो आपको क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जाएगा, that is something we have to see. So हम बाहर से अंदर जाएंगे, we'll go from outside to inside. So the outermost part is going to have your serosa. After that you will be having your muscularis. Then you will have something like your, हाँ जी बेटा बोलिए। तमन्ना क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, अभी भी नहीं आ रही आवाज आपको मेरी? सर आ रही है।
क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? ठीक है, चाहे बस सिरोसा या मस्कुलरिस समझना, एक बार फिर अपना अपने एंड से काम करो, लाइक ब्रिंग इन टू एयरप्लेन मोड एंड देन गो बैक टू योर नॉर्मल सेटिंग्स. समटाइम दिस फिक्सेस द थिंग्स, सो ट्राई टू डू दैट. सो यू हैव अ सिरोसा मस्कुलरिस एंड देन यू हैव समथिंग लाइक योर सब म्यूकोजा एंड देन यू हैव योर म्यूकोजा. Someone has a question. अच्छा, आपको क्लियर आ रही है अब? All right. So serosa, muscularis, submucosa, mucosa. ये हम देख रहे हैं from outer to inner side. ये हम देख रहे हैं from outer to inner side. तो इसका थोड़ा हम picture भी देखते हैं. Let's try to. Okay. ये हम करते हैं बाद में. We'll do the colon बाद में. So let's see the histology first of all. तो जब मैं हिस्टोलॉजी यहाँ पे देखता हूँ इस चीज की, सो व्हाट आई गेट टू सी कि अब हम इसे यहाँ से देख रहे हैं हमारा बाहर से अंदर. सो ये आपका बाहर वाला पार्ट है, ये मतलब आउटर से अंदर हम जाएंगे यहाँ पे. यू हैव आउटर साइड, आउटर टू इनसाइड. तो सबसे बाहर आपको दिखेगा आपको यहाँ पे सिरोसा. सबसे बाहर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे सिरोसा. अब सिरोसा जब आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपने करना यह है यहाँ पे कि इसको बताना है कि यार इसका अंदर आपको क्या मिलेगा. सो व्हाट you will get to see in the serosa. In the serosa you will have squamous epithelium. Squamous epithelium आपको यहाँ पे दिखता है. Squamous epithelium वाला term आपने सुना होगा in your chapter 7. Chapter 7 जो cockroach वाला जो आपका chapter था उसके अंदर आपने एक term सुना होगा squamous epithelium, ये आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. Along with that you will also have areolar tissue. एरियोलार टिश्यू आपको मिलेगा देखने के लिए इन द सिरोसा. तो आप याद रखना पहली चीज कि सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर. ये आपकी होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे. और जो आउटर मोस्ट लेयर आपकी यहाँ पे है उसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, विल गेट टू सी लाइक यहाँ पे आपको मिलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम एंड उसके साथ साथ इट विल हैव सम एरियोलार टिश्यू. ये दो चीजें आपको मिलती है इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर जीआई ट्रैक का हिस्ट्रोलॉजी के अंदर एंड दैट इज गोइंग टू बी अ सिरोसा. अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो सिरोसा आपका है ना, ये आपके पूरे जीआई ट्रैक में आपको मिलेगा एक्सेप्ट योर ईसोफेगस. ये बस याद रख लो कि जो आपका सिरोसा है ये आपको मिलता है आपके जीआई ट्रैक के अंदर, राइट? बट एक्सेप्ट फ्रॉम योर ईसोफेगस यू विल गेट टू सी देम एवरीवेयर. ईसोफेगस वाले एरिया में आपको ये सिरोसा का पोर्शन आपको नहीं मिलता. इट हैज अदर काइंड ऑफ टिश्यूज आर बीन देयर ओवर देयर. इट हैज इलास्टिन करके एक टिश्यू था जो आपको मिल जाएगा बट नॉट सिरोसा. ठीक है, याद रखना दैट इज द आउटर मोस्ट. कुछ याद रहना याद रखना सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ओवर हियर एंड देन यू हैव टू नो दैट इट विल हैव द स्क्वामस एपिथेलियम एंड इट विल हैव द एरियोलार टिश्यू. आफ्टर दैट अगला जो लेयर आपका यहाँ पे आ रहा है वो आपका यहाँ पे होगा मस्कुलारिस. यू विल हैव द मस्कुलारिस. अब जब मैं बात करता हूँ मस्कुलारिस की तो यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन, जब हम बात करते हैं मस्कुलारिस की, सो प्लीज नो वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली. मस्कुलारिस के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल और एक होता है आपका सर्कुलर मसल. सो मसल आपके यहाँ पे दो टाइप के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. एक आपका होगा लॉन्जिट्यूडनल और एक आपका होगा यहाँ पे सर्कुलर. जब आप बाहर से अंदर जा रहे हो, जब आप बाहर से अंदर जा रहे हो तो याद रखना सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो आपका होगा लॉन्जिट्यूडनल मसल. सबसे पहले जो आपको यहां पे दिखेगा दैट इज गोइंग टू बी लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड देन यू विल हैव द सर्कुलर मसल. देन यू विल हैव द सर्कुलर मसल आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि जब आप मस्कुलरिस देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखता है लॉन्जिट्यूडनल और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे सर्कुलर. अब इसमें फर्क क्या होता है ना, फर्क होता है सिर्फ शेप का. आपका जो लॉन्जिट्यूडल होगा वो कुछ ऐसे लंबा लंबा ऐसे होगा एंड सर्कुलर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. दैट्स द ओनली थिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर. समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस एज वेल. यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने यू हैव अ लॉन्जिट्यूडल मसल एंड यू हैव अ सर्कुलर मसल. सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन द मस्कुलारिस. देखो मस्कुलारिस इज नथिंग बट अ मसल. इट्स अ पार्ट ऑफ योर मसल ऑफ योर जी आई ट्रैक. ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो एरिया होता है यहाँ पे आपके कई सारे नर्व्स आ रहे होते हैं.
कई सारे नर्व्स या कई सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे आपके आ रहे होते हैं। सो ये चीज रखना कि आपका जो मस्कुलर इस वाला जो पार्ट है यहाँ पे आकर कई सारे आपको नर्व्स दिख जाएंगे एंड वन ऑफ द नर्व्स इज गोइंग टू बी माय ऑर्बिट प्लेक्सस। ये याद रखना, ऑर्बिट प्लेक्सस जो आपके यहाँ पे नर्व है इट्स नथिंग बट द नर्व दैट इज वन ऑफ द नर्व जो आपको मिलेगी मस्क्यूलरिस के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि यार इसका काम क्या होगा। ऑर्बिट प्लेक्सस जो मेरी एक नर्व है, जो एक मेरा न्यूरॉन है, लाइक दे आर कलेक्टिव सेट्स ऑफ न्यूरॉन व्हिच फॉर्म्स अ नर्व, ये जो मेरी नर्व है जो मेरी यहाँ पे आ रही है, इसका काम क्या होता होगा। ये बेसिकली स्टिमुलेट करती है मस्क्यूलरिस को टू अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन, टू अंडरगो समथिंग नोन एज योर रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन। याद रखना ऑर्बिट प्लेक्सस आर द नर्व्स जो आपके पहुंच रहे हैं मस्क्यूलरिस के अंदर, राइट, एंड इनका काम होता है टू स्टिमुलेट द रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन। क्या कोई बता सकता है कि इसका फायदा क्या होगा? What can be the advantage of orbic plexus? It will stimulate rhythmic contraction. Contraction of the wall. क्या किसी को याद है कि आपका agent of incel क्या करते थे? Anyone remembers कि agent of incel क्या करते हैं? Anyone remembers agent of incel करते क्या आते हैं? Intestine muscle contraction. Right. ये लोग release करते थे आपका serotonin और ये serotonin आपका stimulate करता था wall के contraction के लिए। ये serotonin आपका wall का या आपका जो GI tract है उसकी wall को contract कराता था ताकि आपका food आगे बढ़ सके। वही चीज आपके यहाँ पे ऑर्बिट प्लेक्सस करेंगे। ऑर्बिट प्लेक्सस जहां पे आपके जो नर्व्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं इनका भी सेम काम होगा, दे विल स्टिमुलेट द रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वॉल। और जब आपका वॉल का रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन आपको देखते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देन यू विल गेट टू सी कि आपके जो इंटेस्टाइन इट विल स्टार्ट मूविंग, राइट, और उसके वजह से आपका जो खाना है वो आपका आगे बढ़ने लगेगा। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द ऑर्बिट प्लेक्सस कंपोनेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ऑर्बिट प्लेक्सस वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। रिपीट कर लो एक बार वापस। यस सर। अरे देख लो यार एक बार वापस से, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपकी आउटर मोस्ट लेयर है आपके यहाँ पे, आउटर मोस्ट लेयर इज योर सिरोसा। सो लेट्स से दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज योर सिरोसा। लेट्स से दिस इज योर सिरोसा। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आपका आएगा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस तो दो बार डिवाइड करो, पहले कौन सा आएगा? पहले किस टाइप का मस्कुलरिस आएगा आपका? लॉन्गिट्यूडिनल। हां जी, पहले आपका आएगा लॉन्गिट्यूडिनल टाइप ऑफ का मस्कुलरिस विल बी सीन ओवर देयर। और उसके बाद कौन सा होगा? सर्कुलर वाला आपका मस्कुलरिस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है यार, मस्कुलरिस वाला जो आपके यहाँ पे जो पार्ट है ना वहां पे आपको कुछ नर्व्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ आपकी नर्व्स होती है जो आपके ब्रेन से यहाँ पे आ रही होती है। तो ये तो है मेरा मस्कुलरिस, ये तो मैं जानता हूँ ये मेरा मस्कुलरिस है, राइट। यहाँ पे कुछ मुझे नर्व्स मिलेंगी, सो आई कैन फाइंड सम नर्व्स ओवर हियर। आई विल जस्ट ड्रॉ सम रैंडम नर्व्स ओवर हियर, सो आई कैन फाइंड सम नर्व्स। और ये जो नर्व्स मुझे यहाँ पे मिलती है आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ ऑर्बिट प्लेक्सस। इनको मैं बोल रहा हूँ एज अ ऑर्बिट प्लेक्सस। एक्सक्यूज मी सर, बताइए बेटा, बोलिए बोलिए। सर आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ कर देंगे वापस से। सी सर एक्सप्लेन कर दो, क्या हो गया? एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सिरोसा हो गया आउटर मोस्ट लेयर आपका, फिर आपका आता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के अंदर याद रखना यू विल हैव द सम नर्व्स, यू हैव दीज आर नथिंग बट सम नर्व्स ओवर हियर बेटा। और ये जो आपकी नर्व्स है ना यहाँ पे, ये आपको इनका नाम है आपके यहाँ पे ऑर्बिट प्लेक्सस। अब ये जो आपकी नर्व्स यहाँ पे होती है इनका काम होता है स्टिमुलेट करना आपके मस्कुलरिस को टू अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन। ये आपका स्टिमुलेट करेंगे रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन, दे विल स्टिमुलेट रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन। अब आप मुझे बताओ ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन के लिए एक नाम हुआ करता था, वो नाम क्या था? मस्कुलरिस
पहली चीज ये मिलेंगे आपको मस्कुलाइट्स के अंदर, और यहाँ पे जो नर्व से ये स्टिमुलेट करेंगे आपका रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ताकि आपका खाना आगे बढ़ सके, ताकि वॉल में अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो आपका खाना आगे बढ़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स द सेकंड थिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दिस यू विल हैव द सबम्यूकोजा, इसके बाद आपको दिखेगा समथिंग लाइक अ सबम्यूकोजा। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। थर्ड लेयर इज माय सबम्यूकोजा। अब जब भी आपको सबम्यूकोजा दिखे, तो अगर मैं यहाँ पे आपका सबम्यूकोजा बता दूं, लेट्स से आई मेक ओवर हियर सबम्यूकोजा ऑफ डार्क ग्रीन कलर, समझिए वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर, दिस कंपोनेंट ओवर इज माय सबम्यूकोजा। अब जो सबम्यूकोजा मेरा होगा यहाँ पे, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसमें मुझे काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। सबम्यूकोजा जो मेरा होता है उसके अंदर मुझे कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, कई सारे नर्व्स यहाँ पे मिलते हैं मुझे, मेनी नर्व्स आर बीन सीन ओवर हियर, सो कई सारे नर्व्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, ब्लड वेसल्स यहाँ पे मिलेंगी मुझे, लिम्फेटिक वेसल मुझे यहाँ पे मिलेंगे, और कई सारे ग्लैंड्स भी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सो लेट मी राइट डाउन ऑल द थिंग्स। इन द सब म्यूकोजा यू विल गेट टू सी द ब्लड वेसल्स, ये याद रखना है, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछना है, ड्रॉ करने के लिए तो आपको वो लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके सामने वो लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने रखना है। सो ब्लड वेसल्स, देन यू कैन हैव योर लिम्फेटिक वेसल्स, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर नर्व्स, नर्व्स आपको कई सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट टू सी नंबर ऑफ ग्लैंड्स कैन बी सीन ओवर हियर, जो अपना सामान अपना डंप करेंगे इनटू योर इंटेस्टाइन। तो याद रखना, जो थर्ड लेयर आपके यहाँ पे बाहर से अंदर आ पा रहे हो, जो थर्ड लेयर आपके यहाँ पे वो आपकी सबम्यूकोजा, और आपको यहाँ पे काफी चीज आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। इवन जो आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ से आते हैं, याद रखना, इवन योर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम सबम्यूकोजा, याद रखना इतना बात, इंटेस्टाइनल एंजाइम आपके सबम्यूकोजा से ही आ रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड लेयर। तो आउटर से इनर जाते समय आपकी थर्ड लेयर यहाँ पे, और इसमें आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, आपने देखा कि मस्कुलर इसमें आपको मिल रहा है ऑर्बिक प्लेक्सस, यहाँ पे भी आपको एक नर्व दिख जाती है जो मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर को, बस एक चीज पे यहाँ पे ध्यान दीजिए जहां से मैं लेबल करूंगा, एंड दैट विल बी दिस थिंग। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हो, देन यू कैन सी यू हैव अ टर्म ओवर प्लेक्सस ऑफ मेसिनर। सो प्लेक्सिस ऑफ मेसिनर इज अ टर्म, या ये जो आपकी नर्व है ये आपको मिलती है सब म्यूकोजा के अंदर। सो ये जो आपके यहाँ पे टर्म लिखा है यहाँ पे, राइट, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, और आई कैन से एज अ मेसिनर प्लेक्सिस, जो भी आप याद रख सको, ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर सब म्यूकोजा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका नर्व है यहाँ पे, ये पॉसिबली क्या करता होगा? तो ये बेसिकली जाके स्टिमुलेट करता है काफी बार योर सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स, आपके ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन आपका होता है वो आपके यहाँ से हो सकता है। सो दैट इज समथिंग आई कैन फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो आपके एक्सक्यूज मी आपके जो ग्लैंड का जो सिक्रीशन यहाँ पे होता है, कई सारे ग्लैंड का जो कंटेंट यहाँ पे जो आपका आएगा वो इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकता है, याद रखना। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ दो नर्व्स का यहाँ पे आप नाम याद रखें, एक तो आपका हो गया मेसिनर प्लेक्सस, ये आपको मिलेगा सब म्यूकोजा के अंदर, एंड देन यू हैव योर ऑर्बिक प्लेक्सस जो यहाँ पे है आपका, विच इज सीन इन योर मस्कुलारिस। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेसोफोलिंग में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े बाहर के होते हैं वो लोग मेसोफोलिंग में पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, अगर आपने 22 का पेपर देखा है देन यू विल रियलाइज कि यार बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी ये लोग डालते हैं, और काफी अच्छे अमाउंट में ये लोग डालते हैं। सो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि उनका रोल क्या होता है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा थर्ड लेयर। अब मेरा आएगा यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर, क्या है वो आउटर मोस्ट लेयर मेरा यहाँ पे? सर म्यूकोजा। हाँ। जैसे ही आपके सामने म्यूकोजा टर्म आ रहा है, पहली चीज आपने बोलनी है बिना सोचे कि यहां से आपका आएगा म्यूकस, यहां से आपका आएगा म्यूकस सिक्रेशन यहां से होता है।
अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से म्यूकस सिक्रेशन होगा तो यहाँ पे कौन से सेल्स मुझे मिलते होंगे? गॉबलेट सेल, गॉबलेट राइट, गॉबलेट सेल्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे और यहाँ से आपका म्यूकस आपके यहाँ पे सिक्रेट होता है. दैट्स द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज गोइंग टू बी द इनर मोस्ट लेयर, दिस गोइंग टू बी इनर मोस्ट लेयर. और क्योंकि आपकी इनर मोस्ट लेयर है, इट इज इन अ वेरी मच कॉन्टेक्ट विद द फूड पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में भी आएगा, और यहाँ पे आपको आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी आपको दिख जाते हैं. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड ओवर हियर द एब्जॉर्प्टिव सेल्स कैन बी सीन ओवर हियर. एब्जॉर्प्टिव सेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे. एक बार पिक्चर देखते हैं यहाँ पे इसकी. दैट इज म्यूकोसा ओवर हियर, राइट, ये होगा आपका यहाँ पे म्यूकोसा. इट्स आउटर मोस्ट लेयर, याद रखना ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स, और इनके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, माइक्रो, वेरी ट्रू, राइट. हाँ, और यहाँ से आपका म्यूकस भी आता है. इतना अगर इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो, देयर इज नो चांस दैट यू कैन मिस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. याद रखना बाहर से अंदर क्या आ रहा है, कई बार तो देखो उनके क्वेश्चन बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. दे विल सिंपली आस्क यू कि आप ये बता दो कि बाहर से अंदर की अरेंजमेंट क्या है, राइट. एट टाइम्स दे विल आस्क यू कि इसमें से कौन सा आपका जो एरिया होगा जहां पे आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स आपको दिख जाएंगे, दैट्स अ सब म्यूकोसा, राइट. समटाइम्स दे विल आस्क यू कि यार ऑर्बिक प्लेक्सस कहां मिलेंगे. अब ये पूछना थोड़ा सा इतना कॉमन नहीं होता, ये जनरली आपका मेसोफोलिंग में आता है कि ऑर्बिक प्लेक्सस कहां मिल रहा है, दे कैन आस्क यू इन द मेसोफोलिंग, वो ऐसे नहीं पूछे डायरेक्टली. बट आपको मालूम हो सकता है या आपको पूछा जा सकता है कि मस्कुलरिस के अंदर आपका अरेंजमेंट कैसा होगा बाहर से अंदर की तरफ. सो दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल एंड देन यू विल हैव द सर्कुलर. और यही क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि यार तुम अंदर से बाहर बता दो क्या अरेंजमेंट आपका हो सकता है. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल देम दैट यू विल हैव अ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड देन यू हैव अ सीरोसा. तो अगर इतना इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टोर कर सकते हो अपने मेमोरी कार्ड के अंदर, देन दैट शुड बी इनफ फॉर यू टू मेक थिंग्स फ्लोट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. याद रखना जब मैं बात करता हूँ हिस्टोलॉजी, जब मैं लिखता हूँ तब हिस्टोलॉजी, दैट मीन्स एट्स अ स्टडी ऑफ टिश्यू. आपने बेसिकली करा क्या है, आपने अपने इंटेस्टाइन को बाहर निकाला, इंटेस्टाइन को बाहर निकाला है, उसका सेक्शन लिया आपने और उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो आपको ये सब देखने के लिए आपको मिल जाए, ये सारी लेयर आपको देखने के लिए मिल गई. आपकी चार लेयर आपकी यहाँ पे है और ये चार लेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई, और ये चार लेयर आपको पूरे जेट ट्रैक में आपको मिल जाएंगी, पूरे जेट ट्रैक में आपको देखने मिल जाएंगे. चाहे आप लो लार्ज इंटेस्टाइन से आप सेक्शन लो, चाहे आप अपना सेक्शन लो आप स्मॉल इंटेस्टाइन से, चाहे आप लो स्टमक वाले एरिया से, राइट. हाँ, ईसोफेगस में आपको म्यूकोजा, सॉरी ईसोफेगस में आपको सिरोसा नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा इट इज सीन एवरीवेयर, ठीक है. तो क्या ये वाला स्लाइड और ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? कोई कंपोनेंट है जो आप चाहते हो मैं रिपीट कर दूं तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा. So this is something you have done. All right, ठीक है, okay. Now, so now let's go back. हमने हमारा small intestine देख लिया था. मैं यहाँ पे एक picture बनाना चाहूँगा ये करने के पहले. हमने small intestine हमारा देखा, हमें एक large intestine हमारा देखना था. जब मेरा small intestine खत्म होता है, जब मेरा small intestine खत्म होगा, तब मेरा चालू होगा large intestine. ये तो ऐसी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे as if you didn't know that. बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. You will have duodenum. किसको याद है इसका लेंथ कितना होता है duodenum का? Yes, 25 centimeter. Right. Jejunum? 2.5. What? 2.5 inches या feet क्या? Centimeter. 2.5 meter. मीटर होता है बेटा, मीटर इतना होगा तुम्हारा, इतना सा होगा 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 मीटर होगा यहाँ पे. देन यू हैव इलियम, 3.5 मीटर. क्या आपके तीन आपको यहाँ पे पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इलियम ओवर हियर, और फिर आपका चालू होगा लार्ज इंटेस्टाइन. देन यू विल फाइंड आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आपका चालू हो रहा है. देन यू विल फाइंड योर लार्ज इंटेस्टाइन विल स्टार्ट. अब यहाँ पे होता क्या है, यू हैव अ जंक्शन, यू हैव अ जंक्शन ओवर हियर. जंक्शन मतलब क्या, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन आपके यहाँ पे चालू हो रहा है.
एंड लार्ज हेडर आपके यहाँ पे चालू होगा। इस जंक्शन पे आपको मिलते हैं कुछ वाल्व, इस जंक्शन पे भी आपको मिलते हैं यहाँ पे कुछ वाल्व, कुछ वाल्व यहाँ पे आपको दिख जाएंगे एंड दोज वाल्व ओवर हियर आर इन कॉल्ड एज माय इलियोसीकल वाल्व, इलियोसीकल वाल्व। तो याद रखिएगा, या इस पर वन इवन कह सकते हैं एज अ इलियोसीकल स्पिंटर, बाकी मैं यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ एज अ स्पिंटर। ये आपको याद रखना है, आप ये सोच लो कि आपका लास्ट वाल्व है आपकी जीआई ट्रैक का, इलियोसिकल वाल्व और इलियोसिकल स्पिंटर इज द लास्ट स्पिंटर और वाल्व ऑफ ए जीआई ट्रैक, जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो ये मिल रहा है आपको एट ए जंक्शन बिटवीन द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द स्टार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये है मेरा यहाँ पे इलियम और ये मेरा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपको याद रखना है। अब इलियोसिकल वाल्व इज समथिंग यू आर लाइक, ये मैंने आपको बताया, आप मुझे ये बता दो कि इसके अलावा और कौन से वाल्व हमने पढ़े थे। एक तो ये हमने देखा था, और कौन से हमने पढ़े थे, कौन सा था आपका? ईसोफेगस ओसोफेगस में था आपका ईसोफेजियल स्पिंटर, स्पिंटर ठीक है। फिर दूसरा कौन सा था आपका? पाइल्विक, पाइल्विक स्पिंटर आपका था बिटवीन योर स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है दो गए आपके। और कौन से थे? स्पिंटर ऑफ ओडा याद है आपको? यस स्पिंटर ऑफ ओडे, ये कहां पर था स्पिंटर ऑफ ओडी आपका, कहां पे था? राइट, बिल्कुल सही, इट वाज सीन एट द हिपैटो पैंक्रेटिक डक्ट। कोई बात नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, इसे हम याद करवाएं आप लोगों को, वापस से सारे के सारे वाल्व हम लोग याद करेंगे बैठ के आराम से। Now let's go back and let's see over here. यहाँ तक हमने देख लिया। Now let's start on the large intestine over here. जब भी आप बात करते हो large intestine की, it will start from the cecum वाला part. ये slide को आराम से देखो, observe करो इस slide को and इस slide को यहाँ पे सारी चीजों को समझो आप। So you have a cecum. You have यहाँ पे एक बड़ा सा आपको pouch यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो आपका जो pouch है, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे as a cecum. आपको याद ये रखना है कि जब मैं बात करता हूँ cecum की, this cecum is going to have a huge amount of microflora. इसमें आपको बहुत ज्यादा microflora आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस बात को आप ध्यान से सुनो, cecum जो बेटा आपका यहाँ पे होता है ना, उसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे bacteria. We'll get to see large amount of bacteria we'll get to see in the cecum. Basically यहाँ पे जो bacteria का number है वो आपके cells से भी ज्यादा है, okay? तो जिसे हम इवन कहते हैं गट फ्लोरा, इसको हम इवन बोल सकते हैं गट फ्लोरा। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो माइक्रोफ्लोरा यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे, ये आपका क्या करता है, ये आपका गट में रहता है और आपको क्या फायदा मिलता है इससे? इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माय विटामिन्स, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स। सो विटामिन फॉर्मेशन में ये आपका हेल्प करेगा, सो विटामिन फॉर्मेशन के लिए ये आपके लिए जरूरी होते हैं। किस टाइप के विटामिन्स? दे कैन गिव यू फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन के एंड नंबर ऑफ विटामिन बी। ऐसे विटामिन के फॉर्मेशन के लिए आपको ये ग्लट फ्लोरा आपके आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपको चाहिए। इनके बगैर काफी प्रॉब्लम आ सकती है, सो यू हैव टू मेंटेन दैट फ्लोरा, ओके? याद रखना, दीज आर द बैक्टीरिया विच लिव इन द सीकम, और यहाँ पे देखिए इन्होंने करना क्या है, आपके लिए कई सारे विटामिन ये आपको बना के देंगे, और इनका यहाँ पे रहना बड़ा ही जरूरी है। अगर ये निकल जाए देन आपके बॉडी के अंदर आपको लाइक यू विल हैव सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज कैन बी सीन। तो याद रखना, इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है, एक पाउच, और वो जो पाउच यहाँ पे है उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे सीकम, एंड सीकम विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोफ्लोरा, दैट मीन्स बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, राइट? एंड विल मेक एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन फॉर यू। तो बेसिकली ये लोग करते क्या है ना, कि जब आपका खाना पास हो रहा होता है तो वो उस खाने के अंदर, मतलब द अनडाइजेस्टेड फूड व्हेन इट इज पासिंग थ्रू योर लार्ज इंटेस्टाइन ना, जो कुछ भी उसके अंदर होता है उसे लोग यूज कर लेते हैं। मेन चीज तो आप एब्जॉर्ब कर चुके हो, देखो मेन चीज जो भी आपका एब्जॉर्ब करना था वो आपने कर लिया है इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जब खाना यहाँ से पास हो रहा होता है ना, तब जो कुछ भी खाने के अंदर रह जाता है ना उसको ये माइक्रोफ्लोरा यूज करेगा, उनके लिए वो इनफ होता है।
वो अपना गुजारा निकाल लेंगे और आपके लिए बना के देंगे, आपके लिए विटामिन के एंड विटामिन बी 12 एंड विटामिन के एंड विटामिन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन बी, ये आपको बना के देंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती, उनको रहने के लिए जगह मिल रही है, खाने के लिए सामान मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो इनफ है उनके लिए, और आपको मिल रहा है यहाँ पे फायदा। ठीक है, दैट इज माई सीकम एंड दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर सिम्बायोसिस। कुछ याद आ रहा है, ये टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं? यस सर, यस सर। कुछ याद है, अभी टर्म देखा था एंडोसिम्बायोसिस करके? यस सर, यस सर। कहाँ देखा था ये टर्म, कहाँ देखा था? चैप्टर 10 क्या एंडोसिम्बायोसिस का एग्जांपल? माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द सेल, ठीक है। इवन योर क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द सेल इज एग्जांपल ऑफ एंडोसिम्बायोसिस। ठीक है, चलो। तो सिम्बायोसिस आपके यहाँ पे मिल रहा है आपको देखने के लिए, राइट, बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द माइक्रोफ्लोरा, सो दैट्स वन थिंग। तो सीकम याद रखना। अब होता क्या है, देयर इज वन मोर थिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। जो एक और चीज जो आपको यहाँ पे दिखेगी वो क्या होगा कि सीकम के पास में आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख जाएगा। एक्सक्यूज मी, सीकम के यहाँ पे आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद रखना, सीकम के पास में आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा, और उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब याद रखना, अपेंडिक्स का काम कुछ नहीं होता आपके बॉडी के अंदर, दिस इज गोइंग टू बी वेस्टिजियल। ये आपका होगा यहाँ पे वेस्टिजियल, इसका मतलब ये है कि इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं है आपके बॉडी के अंदर। लेकिन कहा जाता है कि हमारे एंसेस्टर के अंदर ये एक्टिव था, और ये बनाता था समथिंग नोन एज माय सेल्युलेज, दैट इज समथिंग इट यूज टू मेक, बट दैट इज समथिंग विच इज नॉट समथिंग विच इज समथिंग यू गेट टू सी राइट नाउ इन द ह्यूमन बॉडी, कि सेल्युलेज आपके बॉडी में कहते नहीं बनता। सो ये होता है वेस्टिजियल, मतलब ये कोई काम का नहीं होता, और कई बार ये ज्यादा ग्रो कर जाता है, कई बार ये ज्यादा ग्रो कर जाता है, और वो टाइम पे आपको करानी पड़ती है सर्जरी। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, कई बार लोगों का अपेंडिक्स निकालना पड़ता है, कई बार जाके आपको अपेंडिक्स निकालना पड़ता है, सो दैट इज समथिंग, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसे निकालने का कोई दिक्कत भी नहीं है ना, कोई मतलब तो है नहीं इसका, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमूव। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी की सर्जरी करता हूँ और सर्जरी करके उसके इंटेस्टाइन में से जेजुनम और इलियम निकाल देता हूँ, तो क्या दिक्कत आ सकती है? डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, डाइजेस्ट हो रहा है डियोड्रेंट के अंदर, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा, एंड दैट विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। डाइजेस्ट करने का मतलब भी क्या हो, अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो कि आपकी जो वेन होती है जो इंटेस्टाइन से लेके जाती है खाने को लीवर की तरफ, उसका नाम क्या होता है? सही है, लिम्फेटिक। हाँ, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन आपका खाना वहां से लेके जाती है टुवर्ड्स द योर लिवर, राइट, लिवर जी। अब देखो यहाँ पे है क्या, आपका यहाँ पे वेस्टिबुलर ऑर्गन है आपका यहाँ पे, याद रखना इसका कोई काम नहीं है, सो इसको निकाला जा सकता है अगर इसकी ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो, राइट। यहाँ पे आपको देखेगा आपका इलियोसिकल वाल्व और इलियोसिकल स्पिंटर आपके यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे ही आप लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाते हो, सबसे पहले आपको मिलेगा आपका पाउच, पाउच में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, और उसका रोल क्या होता है वो आपको बिल्कुल 100% याद रखना है। एंड देन यू विल हैव अ वेस्टिजियल अपेंडिक्स जिसको आप निकाल दोगे अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो, एंड देन हम जाएंगे आपके इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में, और यहाँ पे आपका आएगा कोलोन। सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इंटेस्टाइन को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, सो अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज शाम आज रात को जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसके अंदर आपके लेवल वन और लेवल टू क्वेश्चंस दोनों में रखूंगा, सो प्लीज डू दैट केयरफुली, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको तीन पार्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे, एक आपका होता है यहाँ पे आपका असेंडिंग कोलॉन, दूसरा होता है यहाँ पे होगा, हाँ जी बेटा बोलिए, डिसेंडिंग
pull on. You have a transverse, descending and ascending colon आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. So let's see that. अब आपको दिख रहा है you have a ascending one, you have a, then a transverse colon, and then you'll have a descending colon over here, right? उसके बाद आपका यहाँ होता है hostra, उसको आप ignore कर सकते हो. Then you'll have a rectum. यार इतना descending colon के बाद जो next चीज आपके यहाँ पे आ रही है, that is going to be your rectum. आपका यहाँ पे आ जाएगा. And rectum के बाद the next thing is going to be your anus. इतना ही आपको यहाँ पे आ रखना है. ठीक है. So आपका descending colon के बाद you will have the rectum. Excuse me. And after that you will have the anus. तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. Let's try to understand what is happening over here. क्या function होता है आपके large intestine का? याद रखना large intestine का mainly role होता है water absorption. Mainly it is going to reabsorb the water. So अभी हम इसे यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या होगा. So churning, peristalsis and mass peristaltic drive content of colon into the rectum. तो मूवमेंट के थ्रू आपका जो खाना होगा वो आपका रेक्टम तक पहुंचेगा. दैट्स व्हाट दे हैव रिटन कि आपका मूवमेंट के थ्रू आपका खाना पहुंच के आपका रेक्टम तक पहुंचता है, राइट. बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस विटामिन बी विटामिन एंड विटामिन के. आप बस इतने याद रखना कि आपके यहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं और वो आपका बना के देता है आपको विटामिन, लाइक विटामिन के और विटामिन बी के कई सारे टाइप्स आपको बना के देंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर आयंस एंड विटामिन. यहाँ पे कुछ वाटर कुछ आयंस और विटामिन को आप एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ फेसेस. याद रखना ये चीज कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी हेल्प करता है आपको इन द फॉर्मेशन ऑफ योर फेसेस. सो याद रखना इट विल हेल्प इन द रोल इन द फॉर फॉर्मेशन ऑफ फेसेस. एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे आप सब लोग कि फेसेस का कलर होता है आपका येल्लो. और ये कलर किस वजह से आपका हो रहा होता है येल्लो? उसमें से आपको वाटर निकालना है लेकिन बहुत ज्यादा भी आपको वाटर नहीं निकालना. ये चीज को आप समझो. जब आपका फीसिस बनता है, समझो आपका रेक्टम में फीसिस आ गया, समझो रेक्टम के अंदर आपका फीकल वेस्ट आपका आ चुका है, तो उस फीकल वेस्ट में से भी आप पानी निकालते हो. अगर उसमें पानी ज्यादा है तो उसे आप निकालोगे. लेकिन अगर ज्यादा पानी आकर आपका निकल रहा है, देन यू विल हैव अ इश्यू ऑफ कॉन्स्टिपेशन. दैट मींस देयर विल बी डिफिकल्टी इन द पासिंग ऑफ द स्टूल. याद रखना एक चीज यहाँ पे सुन लो ध्यान से. अगर आपके फीसिस में से ज्यादा पानी निकाल लिया जाता है, राइट, और आपकी फीसिस हो जाती है ड्राई, इफ योर फीसिस बिकम ड्राई, देन देयर विल बी अ कंसर्न ऑफ कॉन्स्टिपेशन, राइट. और अगर आपके फीकल वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, अगर आप फीकल में बहुत ज्यादा पानी है, देन दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग, दैट इज ऑल्सो समथिंग नॉट गुड, दैट इज गोइंग टू बी योर लूज मोशन, राइट, दैट इज ऑल्सो गोइंग कॉल्ड एज योर डायरिया. ओके, तो याद रखना फीस में से पानी निकालना यहाँ पे काफी जरूरत है. सो दैट इज समथिंग विच इज बीन डन. तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एंड देन यू विल फाइंड द इट विल बी एलिमिनेटेड. सो वंस द फॉर्मेशन ऑफ फीस इज डन, देन यू विल हैव अ डीफीसिएशन टेक्स प्लेस. Defecation मतलब क्या है? Under the conscious control, you are going to let that stool pass. ठीक है? That will happen in the conscious control. Okay? इतने ही आपको यहाँ पे याद रखना in terms of my large intestine. याद रखना it all starts with the cecum. Cecum में काफी कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है. Vestigial organ आपको यहाँ पे दिखेगा as your appendix. Then you have your colon, ascending, transverse and your descending. Mainly आपको याद रखना यहाँ पे water is absorb हो रहे हैं. आयंस आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ आयंस आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब जाएंगे एंड सम विटामिन्स विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड, दैट्स इट. उसके अलावा दिस विल हैव अ रोल इन योर फॉर्मेशन ऑफ योर फेसेस एंड एज आई टोल्ड यू, याद रखना फेसेस में से भी आप पानी एब्जॉर्ब करते हो, दैट विल बी हैपनिंग इन द रेक्टम. रेक्टम वाले पार्ट में भी आप थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्प्शन आपका रहेगा. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. रेक्टम में भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी आपका होता है एंड देन यू विल कैरी आउट द डीफीसिएशन. So that's your large intestine. अब large intestine के ऊपर based जब question आते हैं ना, वो generally पता है किस type के आते हैं? वो लोग पूछेंगे आपसे something in terms of the cecum. Cecum के बारे में वो लोग यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि यार cecum में क्या है क्या नहीं है, they can ask you, right? Second, they can ask you in terms of the vestigial organ. ये एक आपका question बनता है, like this is something they generally use. और उसके बाद they can have a question based on ileocecal valve. Then they can have a question based on the ileocecal valve. तो क्या ये वाला कंपोनेंट आपको समझ आ रहा है? कंपोनेंट नहीं, क्या आपको ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है?
इतना स्लाइड अगर आप याद रखते हो लार्ज इंटरनेट के लिए देन आई डोंट थिंक यू विल बी मिसिंग एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस राइट सो लेट्स डू कपल ऑफ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन यहां पे करते हैं बिफोर वी रैप अप राइट बिकॉज़ वी हैव टू डू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ दिस पार्ट तो ये हमने देखा तो देखो अभी तक हमने देखा क्या है वी हैव सीन द हिस्टोलॉजी वी हैव सीन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड बिफोर दैट वी हैव टॉक अबाउट द लैक्टेज ओरियर ब्रीफली सो लेट्स सी इफ यू हैव सम ग्रिप ऑन सम क्वेश्चंस 64 आंसर करेंगे आप लोग चैट के अंदर कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच सब्सटेंस बताएं वो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए बताइए क्या आंसर होगा इसका और मुझे आंसर यहाँ पे आना चालू हो गया और जितने भी मुझे अभी तक आंसर मिले हैं वो सारे के सारे गलत है आई टेल यू व्हाई दे आर रॉन्ग बेटा फ्रुक्टोज आपका एब्जॉर्ब होगा वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये आपका होता है वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ओके उसमें कोई आपका सोडियम आयन आपका वहां पे नहीं लगता लेकिन आप ऊपर देखो अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज इज समथिंग विच विल बी एब्जॉर्ब बाय योर सोडियम आयन एज अ कैरियर तो ये होता है आपका राइट आंसर यहाँ पे सो ओनली फ्यू ऑफ यू आर बीन एबल टू आंसर दिस करेक्टली मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस रॉन्ग जो बहुत गलत बात है ठीक है नाउ इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन 66 Which one of the following statement is true regarding human digestion and absorption of food in the humans? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा वो आपको यहाँ पे बताना है पहला फ्रुक्टोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोजा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम ये आपका है स्टेटमेंट नंबर वन ठीक है मुझे बता दो कि क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत है अनम्यूट करके बता दो स्टेटमेंट सही है गलत है यहाँ पे सर रॉन्ग रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्योंकि सब फ्रक्टोज ट्रू राइट ट्रू दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी अ रॉन्ग क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे देखते हैं काइलो मैक्रोन आर स्मॉल लिपोप्रोटीन्स पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड कैपिलरीज इसमें क्या रॉन्ग है ब्लड कैपिलरी यहाँ पे अगर रॉन्ग हो जाएगा इट हैज टू बी एक्चुअली योर लेग सेल्स ये भी आपको हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग सर ये लास्ट वाला ना दिख नहीं रहा जैसे पूरा लास्ट वाला दिख नहीं रहा ठीक है ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं अरे ऑप्शन सी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है अबाउट 60% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द सलाइवरी अमाइलेज इन द माउथ क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है सर रॉन्ग बिल्कुल रॉन्ग है 30% होता है आपका अगर तीन चीजें यहाँ गलत होगी मेरा गलत हो गया अभी गलत हो गया मेरा ऑक्सेंटिक सेल्स लिखा हुआ है याद रखना ऑक्सेंटिक सेल्स इज अन नेम फॉर माय पैराइटल सेल्स जो पैराइटल सेल्स आपके होते हैं उनका एक और नाम यहाँ होगा ऑक्सेंटिक सेल्स ठीक है And that's why this is the right answer. Authentic cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen. ये बिल्कुल आपका सही statement है. और that's how you will get your +4 marks. ठीक है? एक और देखते हैं. Then we'll wrap up. Epithelial cell of the intestine involved in food absorption have on their surface. क्या मिलेगा इनके surface पे और मुझे? What I'll get to say on this surface? The micro. Yes, it is going to be microvilli. ये आपका आ जाता है on the surface. That is something I'll get to see on the surface. So ये आपको याद रखना. So we'll do a few more questions later. Let's wrap this up right now. So ये आपको होगा 66, 67. There's something like that. And we have some more questions. तो मैं आपको slide के साथ भी दूंगा और हम कल भी उन्हें एक बार फिर देख लेंगे फटाफट. ठीक है? Now if you have any question right now, अगर आपके पास कोई question है regarding the portion we have done right now, please go ahead and let me know. अगर कोई पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया या कोई पोर्शन जो आप चाहते हो कि रिपीट हो जाए देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो दैट सो दैट वी कैन फिक्स दैट थिंग एनीथिंग व्हिच हैज टू बी रिपीटेड राइट नाउ